तो जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं वो लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तेल हमारा गर्म हो गया तो अभी मैं इसमें जीरा, देख सकते हैं आप क्रैकल हो गया है, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स। और ग्रीन चिली डालने के बाद ढेर सारा हम यहाँ पे प्याज डालेंगे। मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़े से पीनट, मैं हरी मटर भी डालूंगी इसलिए मैंने पीनट अभी थोड़े यहाँ पे डाले ताकि सब्जियों को थोड़ा सा ना पकने में टाइम लगेगा। ये गोभी, गाजर मैंने डाल दिया है और मैं डालूंगी यहाँ पे शिमला मिर्च। अभी ना सारी सब्जियाँ जो है ना हाँ जल्दी से पक जाए इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसी स्टेज पे नमक डाल दूंगी। नमक भी ऐड कर दिया है, हरी मटर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये और आधी कटोरी ओट्स लिया था तो इसी कटोरी से नाप के मैं आधी कटोरी से भी कम पानी रखूंगी यहाँ पे। अभी मैं इसे ना थोड़ी देर के लिए ढककर पकाऊंगी, एक बॉयल आ जाएगा अच्छे से तो ये जो पानी है ना ये सारा सोख कर लेगा हमारे ओट्स में और ये जो सब्जियां हैं, तो मैंने इतना ही पानी रखा है कि ये अच्छे से सोख हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से निकल आया है और मैं अब इसमें गार्निश कर दूंगी धनिया पत्ती, दो चम्मच पूरी कढ़ाई में। जीरा आप देख रहे हैं ना, तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म था, जीरा जो है ना क्रैकल हो रहा है, तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। मैं डाल देती हूँ गाजर, टमाटर मैंने डाल दिया है और ये है कैप्सिकम, ये बीन्स।